अम्बाला से हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनकी भी दो दिन पिछते हैं, पूछते सोए हैं मिल्ट्री फार्म में, कई अपनी पीढ़ी अपना योगदान दे चुकी है मिल्ट्री फार्म डिपार्टमेंट, वो भी हमारे बीच में है, अभी सर्विस में है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट मिल्ट्री फार्म अम्बाला मिस्टर हरदीप सिंह जी। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप इतनी दूर से यहाँ पर आए। जैसे आपको पता है कि हमारे डिपार्टमेंट को बंद किया जा रहा है और कुछ डिपार्टमेंट की छुट्टी हो चुकी हैं, और आज हम इसलिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि सरकार को बताया जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दूध पैदा करते हैं, मैं कहता हूं हम दूध नहीं अमृत पैदा करते हैं। मेरा जन्म 1959 में जौलपुर फार्म में हुआ था और 58 साल की मेरी उम्र हो गई है, और 58 साल से ही मैं अपने बचपन से अब तक इस फार्मों में फार्मों चलते देख रहा हूं, और दूर दूर जाता भी हूं, लोगों के घरों में भी जाता हूं, दिल्ली वगैरह इधर। लेकिन जो दूध हम लोग पैदा करते हैं वो दूध कहीं भी नहीं मिलता, हर चीज के अंदर मिलावट, मक्खन है मक्खन में मिलावट, घी है घी में मिलावट, पनीर रबड़ का बन रहा है। अरे यही तो एक डिपार्टमेंट है जो ये अमृत पैदा करके अपने फौजियों में पिला रहा है। आज जो हमारे जवान अगर कोई पवित्र चीज खा रहे हैं तो मैं कहते धरने से कहता हूं कि दूध ही है जो उनको प्योर मिलता है, उनको दूध ही है एक चीज है जो प्योर मिलता है। मैंने भी 5 साल फौज में खाना खाया है, राशन भी खाया है, हर चीज देखी है, लेकिन भाइयों अंदर नहीं जाता था वो ऐसा राशन जिसको खा के मेरा लीवर भी खराब हो गया। जब मैं वहां जाता था तो लोग मुझे कहते थे, फौजी कहते, भाई साहब एक आपका दूध ही है जो यहां प्योर मिलता है। तो ये सरकार को ये समझ नहीं आ रहा जो 128 साल से जो चला आ रहा डिपार्टमेंट जिसको अंग्रेजों ने बनाया, इसलिए बनाया कि हम अपने फौजी भाइयों को अच्छा दूध पिलाकर उनको और ताकतवर बनाए, और इन्होंने एक मिनट के अंदर आकर एक लकीर मार दी बिना सोचे समझे, ना संविधान का धाराएं देखी, ना कोई लेबर एक्ट देखा, ना किसी को कंपटीशन दिया, जानवरों के साथ आदमियों को भी इन्होंने ढकेल दिया। इनको ये भी नहीं पता कि ये जानवर जो है ये बाहर नहीं मिलता, जो डेयरी फार्म के अंदर ये जानवर पैदा हुआ है 30 सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, 30 साल से हमारे डेंटिस्ट लगे जो हमने नई ब्रीड निकाली है ब्रिजवाल, ये भारतवर्ष में कहीं नहीं है, पर इसको कोई नहीं सोचता। इस जानवरों का अगर दिमाग जाके देखो, इन लोगों को पता लगे कि कितना होशियार जानवर है, कितना समझदार है, कि तीनों टाइम खाता है पीता है घूमता है और अपनी जगह पे आके फिर खड़ा हो जाता है। भाइयों, वो दुख लगता है इतना साल हम लोगों ने काम किया, हमारे बच्चे जो आज 28-30 साल से काम कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट बड़ी बड़ी अदालतें कह रही हैं इनको पक्का करो, लेकिन ये नहीं हो कर पाई सरकार। उसी आदमी को अन्याय मिलता है जो कोर्ट में जाता है, बाकियों को कोई अन्याय नहीं मिलता। ये 30-30 साल से जो बैठे हैं लोग जो काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने इनके बारे में कुछ नहीं सोचा, एक मिनट के अंदर तलवार देने की गर्दन काट दी गई है। अगर ये गवर्नमेंट ऐसा ही करेगी तो हमें मजबूरन बड़ी अदालतों में जाना पड़ेगा, और उसकी हमने पूरी तैयारी कर भी ली है, और आपको न्याय दिला के रहेंगे। भारत माता की जय, गौ माता की जय। इसके साथ ही मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मेरे भाई बहन इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, और आगे भगवान ना ही अति को चुरुपड़े द्वारा आने की, सबको भगवान अपने अपने घर में न्याय मिले, यही मेरी उस भगवान से भी प्रार्थना है कि सबका घर सुमारे। जय हिंद।